नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट फार्मर में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और पास ही में दिया हुआ बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज हम ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल खेत में क्यों और कैसे करना है इसके बारे में जानकारी लेंगे। जैविक खेती करने वाले किसानों के लिए ट्राइकोडर्मा एक बायोफंगिसाइड यानी मित्र फंगस का काम करता है, जिसे हम फसल पर अलग अलग तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम बीज की प्रक्रिया में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही में अगर हम पौधे लगा रहे हैं तो पौधों की जड़ों को इसके अंदर कुछ समय तक डुबो के अगर हम इसमें लगाते हैं ज़मीन के अंदर तो इसमें बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। इसके इस्तेमाल से हमें ज़मीन में मिट्टी के अंदर जो भी हानिकारक फंगस है उसका खात्मा होता है। इसे हम मल्टीप्लाई करके यूज़ करेंगे। ये आपको लिक्विड फॉर्म में किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र में मिल जाएगा या फिर ऑनलाइन भी मिल जाएगा। ये पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल है। मैं इन दोनों की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके इस्तेमाल करने का विधि और इसे मल्टीप्लाई करके किस प्रकार से इस्तेमाल करना है वो आज हम देखेंगे। इसके लिए मैंने एक 200 लीटर का ड्रम लिया है। इसके अंदर हम 2 kg गुड़ मिलाएंगे। गुड़ मिलाने से गुड़ अच्छी तरह से इसके अंदर मिला लेंगे। इसका हम फसल पर छिड़काव भी कर सकते हैं और इसे पौधों में ड्रिंचिंग द्वारा भी छोड़ सकते हैं। गुड़ अच्छी तरह से घोल जाने के बाद में हम इसमें, मैंने ये 1 लीटर का कल्चर लाया है, ये इसमें डाल देंगे। ये मिश्रण हमें अगले 7 दिनों तक कम से कम दिन में एक बार तो भी इस प्रकार से घुमाना है लकड़ी के माध्यम से, और ये 7 दिनों बाद इसी प्रकार से तैयार हो जाएगा जो कि हम बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ के इस्तेमाल से ये अच्छी तरह से मल्टीप्लाई होता है। इसका उपयोग हमें साल में 2 बार करना चाहिए, खासकर जो फलों की फसल है, पौधे हैं, उनमें इसका इस्तेमाल 2 बार करना ही चाहिए। इससे पौधों में जड़ों संबंधित जो भी बीमारियां है उसका खात्मा होता है। साथ ही में अगर हम दूसरी फसल जब लगाते हैं तो वो फसल लगाने से पहले इसका इस्तेमाल करने से अच्छे लाभ मिलते हैं। ट्राइकोडर्मा एक जैव फफूंदनाशी है। इसके इस्तेमाल से ज़मीन के अंदर जो सूक्ष्म जीव रहते हैं उनसे फसल का रोगों से बचाव होता है तथा पौधों की जड़ों को जो पोषक तत्वों की आपूर्ति भी करता है उससे फसल की बढ़वार में हमें मदद मिलती है। ट्राइकोडर्मा के इस्तेमाल से मिट्टी में स्थित सभी प्रकार के हानिकारक कवक से फसल को सुरक्षा प्रदान करता है। हमें इसी प्रकार से इसे 7 दिन तक रखना है। हम इसे एक छावदार जगह पर ही रखेंगे और बाद में इसे अच्छी तरह से ढक के रख देंगे। अगर हम इसका इस्तेमाल ड्रिप के माध्यम से कर रहे हैं तो हमें पौधों में पहले अच्छी तरह से पानी दे देना है और बाद में इसका प्रयोग पौधों में करना है। हम इसका इस्तेमाल हुमनी लार्वा के नियंत्रण के लिए सीधा ज़मीन में भी कर सकते हैं। उसी के साथ
जो सूखा गोबर खाद रहता है उसके ऊपर भी हम इसका इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि हमनी लार्वा कीट का अच्छी तरह से नियंत्रण हो सके। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए अपने किसान भाइयों के साथ में इसे शेयर कीजिए, ताकि नए नए वीडियो हम बना सकें। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।